एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्ती की। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जनपद पंचायत जिला पंचायतों में नवीन राशन दुकान के आवेदन हेतु रिक्त ग्राम पंचायतों और आवेदन के अंतिम तिथि संबंधित जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी पंचायतों में रिक्त है। तो मैं आपको बता दूँ टोटल कितने पंचायतों में रिक्ति है, सभी सूची में आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल 184 जिला पंचायत जनपद पंचायत है जिनमें कि नवीन राशन दुकान के लिए पद खाली है, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपेश गुरु में। दोस्तों आप सभी कैसे, आइए आप सब ठीक होंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। जैसे कि आज आपने वीडियो के थंबनेल में देख चुके होंगे कि 184 जिला पंचायत जनपद पंचायत हैं जिनमें नवीन राशन दुकान के लिए पद खाली हैं। तो उसमें आपको किन किन जनपद पंचायत जिला पंचायत में पद खाली है किस प्रकार से देख सकते हैं, लिस्ट के माध्यम से आपको आज बताने वाले हैं। और यहाँ पर आपको एक और बात बता दें कि जनसेवा मित्री की डबल से नई भर्ती आने वाली है, तो अभी तक आपने वीडियो उनको नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिए तो आप सभी को भी पता चल जाता। चलिए चलते हैं जनपद पंचायत जिला पंचायत में किस पंचायत में खाली है जगह देख लेते हैं लिस्ट के माध्यम से। लिस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना होगा अपना। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप कर देना एम राशन मित्र लिखकर। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, मध्य प्रदेश स्टेट फूड सिक्योरिटी पोर्टल एम राशन मित्र, इस पर आपको क्लिक कर देना। हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको सभी विज्ञप्ति देखने पर क्लिक करना होगा। इससे पहले आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिल रहा होगा नवीन उचित मूल्य की दुकान है, तो इसको आपने यहाँ नवीन विज्ञप्ति देख सकते हैं। इंदौर में अभी जस्ट निकली है, खंडवा में निकली है, भोपाल में निकली है, नर्मदापुरम में निकली है, नरसिंहपुर में भी निकली। यहाँ पर आपको सभी विज्ञप्ति आपको जो नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा सभी विज्ञप्ति देखे इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। लिस्ट देखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो होम का बटन है इस होम के बटन को आपको टैप करना होगा। होम के बटन पर जैसे ही आप टैप करेंगे आपके सामने पूरे इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। जैसे हम स्क्रॉल डाउन होने जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास पूरी यहाँ पर आ चुकी है लिस्ट। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी कि नवीन राशन की दुकान हेतु आवेदन हेतु रिक्त ग्राम पंचायत और आवेदन की अंतिम तिथि संबंधित जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको जिले का नाम देखने को मिल जाएगा, आपको निकाय मतलब जनपद पंचायत जिला पंचायत का नाम देखने को मिल जाएगा, ग्राम पंचायत या वार्ड जिस ग्राम पंचायत जिस वार्ड में खाली है किस तारीख को ये दुकान दिया गया था आपको नोटिफिकेशन उसकी तारीख है, दुकान का प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर दुकान आवेदन आवेदन की तिथि देख सकते हैं, आवेदन प्रारंभ की तिथि और दुकान आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको विभिन्न जिला जनपद पंचायत में देखने को मिल रही होगी। सीहोर में है, भिंड में है, भिंड के कितने जिले में है ठीक है, लारोरा में है, देहिया में, चाचीपुरा में है, चापरा में है, मनरई में है, ये देखिए सभी जनपद पंचायत जिला पंचायत में आपको देखने को मिल रही होगी विज्ञप्ति। टोटल 184 जनपद पंचायत में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीहोर में भी आपको देखने को मिल रही होगी, नरसिंहपुर में आपको देखने को मिल रही होगी, अशोकनगर में आपको देखने को मिल रही। आगे बढ़ाने के लिए ये दो नंबर पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आप फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ देखिए अशोकनगर में आपको देखने को मिल रही होगी। अशोकनगर में बहुत सारी लगभग सभी में है, क्योंकि 100 के बाद सीधे अशोकनगर में पूरे में है। 100 अशोकनगर के अंतर्गत आने वाले 100 गाँव में वैकेंसी भी है निकली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी लास्ट डेट भी है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास आवेदन आपको करना है तो जरूर से इसमें आवेदन करिए, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है आपका आपके गांव में, आपके गांव का एसेट में आपको ये जॉब मिल सकती है, इसमें बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी नई अपडेट नई जानकारी के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये जॉब नहीं करनी है तो जिसे जॉब करनी है उसको वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिए ताकि उसकी कुछ मदद हो सके। तो आप नहीं देखना चाहते तो स्किप करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।